देखिए, आज श्रावणी मास का अंतिम सोमवार है। समस्त देशवासियों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान भोले शंकर सबका कल्याण करें, जगती को उद्धार करें और जो आतंकी विनाशक और दुष्ट शक्तियाँ हैं उनका संहार करें। भगवान भोलेनाथ हमेशा से एक अपने भोलेपन के लिए और विष पी करके और अमृत वर्षा करने के लिए जाने जाते हैं। आज उस श्रावणी मास का भी अधिमास का सोमवार है। इस सोमवार के का एक विशेष महत्व होता है। विश्वेंदु परिषद संपूर्ण हिंदू समाज के साथ खड़ा है। पूज्य संतों के आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम लोग आज जगह जगह जलाभिषेक कर रहे हैं और संपूर्ण समाज उसके लिए आतुरता के साथ में भगवान भोले के दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है। अभी नलड़ महादेव मंदिर माननीय कार्याध्यक्ष जी पहुँचने वाले हैं और वहाँ वो जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद उसके साथ में सर्व हिंदू समाज के जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो मेवात की पंचायत के लोग हैं, वो सब उनका उनके साथ रहेंगे और समाज के साथ बेसिकली विश्वेंदु परिषद खड़ा है। हमने जो सरकार की जो समस्याएं हैं या G20 का आयोजन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार तय किया है कि जो अधूरी यात्रा थी उसको हम इस बार एक तरह से प्रतीकात्मक पूरा करेंगे। लेकिन यह कि इस तरह की जो चीज़ें न हो दोबारा, तो इसके लिए भी शासन प्रशासन को भी और उन अतिवादियों को भी सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज जो है वो अब चुप नहीं बैठने वाला। हाँ, हम भगवान भोले शंकर की, चूंकि वहाँ भी एक महान मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कर्मभूमि है, तो ऐसे स्थान पर जो पांडवकालीन पवित्र मंदिर हैं, उस मंदिरों की में जो आस्थावान लोग हैं वो सब वहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और उन्होंने सुबह से ही जलाभिषेक प्रारंभ हो गया है। 11 बजे माननीय आलोक जी वहाँ पर पहुँचेंगे और वो जलाभिषेक करेंगे। इसमें साथ में वहाँ के स्थानीय लोग रहेंगे, कुछ पूज्य संत भी रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सारे लोग सहर्ष सौहार्दपूर्वक शांतिपूर्वक और मिल करके भगवान भोले शंकर की आराधना करेंगे। देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक, जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा मॉर्निंग में आकर के, जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनके धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। मैम, फिलहाल क्या नूह शहर की अगर हम बात करें तो क्या कर्फ्यू लगाया गया है या फिलहाल क्या स्थिति? नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है मैम? इंटरनेट बंद है, कल रात आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। और इसके अलावा मैम, प्रीवियस जो राइड्स हुए थे उसकी मैम क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और SITs हमारी लगी हुई हैं, 4 अलग अलग SITs हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, जो फुटेज वगैरह CCTV या जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम FIR हुई हैं, कितनी FIR अब तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए, FIR का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूह नूह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी, आंकड़ा सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा, विल डू ऑल द एक्शन। थैंक यू।